उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में हिंदू संगठनों ने किया विरोध पर एसएसपी से की शिकायत। बताते चले मामला है थाना सुभाष नगर रहने वाले भगवान दास के परिवार वालों ने एसएसपी से शिकायत की और वह हिंदू व्यक्ति है, जाटव समाज से ताल्लुक रखता है, वर्तमान में हिंदू है, अपनी इच्छा से यीशु मसीह को मानते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था 20 नंबर की सुबह 11 बजे वह अपने चेतना आराधना कर रहा था तो पंडित के संगदार हिमांशु पटेल, अरविंद पटेल, राजीव प्रीति, अन्य साथियों ने मिलकर उनका विरोध किया। उसके चैट में घुस गए और गाली गलौच मारपीट करना शुरू कर दी। गुंडागर्दी करते लोगों ने पैसे छीन लिए, औरतों के साथ बदसलूकी की, धार्मिक पुस्तक बाइबल को भी हासिल कर लिया और लोगों के साथ गलत शब्द का प्रयोग करने लगे, जिसको लेके सुभानपुर में भगवान दास के पवन कुमार हिरासत में थाने बैठा रखा है। भगवान दास पवन कुमार हिरासत में छोड़े जाने के आदेश से पारित करने की मांग की, क्योंकि हमारे पति वो लेकर के यहाँ पे थाने पे आए थे सुभाष नगर। कल हम लोग प्रेयर कर रहे थे, सुबह 10 बजे का टाइम थे, हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते हुए जब ऊपर जैसे गए तो कुछ लोग अचानक से ही चले गए ऊपर, और जाने के बाद उनको पकड़ के नीचे लेकर क्या करें, इन्हें थाने लेके चलो, इनको थाने लेके चलो, धर्म परिवर्तन करे, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मामला कुछ भी नहीं, फिर भी वो लोग झूठा झूठा आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर कि ये गलत है, बोला ऐसा कुछ भी नहीं, हम कल मौर्य हैं आज भी मौर्य हैं, लेकिन ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। हम लोग कुछ भी अगर गलत काम हम लोग करें तो कोई साथ देने, अगर जब हम धर्म रास्ते पे चलते हैं तो 10 लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आप लोग क्यों नहीं रोकते हो, आप क्यों नहीं कुछ कहते, आवाज क्यों नहीं, और हम लोग क्यों नहीं, हम लोग कहते हैं तो हम लोगों की आवाज दबा देते हैं, जो सच्चाई बोलते हैं उसके लिए बिल्कुल मुंह बंद कर देते हैं। जो सब बजरंग दल वाले लोग थे वो लोग सब अचानक से पहुंच गए, उन लोगों ने कहा कि यहाँ धर्म परिवर्तन आ रहा, इनको लेके चलो थाने, ये करो, वो गाली गलौज करने लगे थे। के संगठनकार हिमांशु पटेल, इसने किसको ले लिया अपने हिरासत में? पास्टर भगवान दास जी को, हमारे पति हैं, पास्टर पवन भी है, हमारे भाई हैं वो। जलाल में से मामला है, कल एजी प्रार्थना भवन बंसी नगला में कल दोपहर में भगवान दास जी हैं वो प्रार्थना चलाते हैं, और ना वो पहले ईसाई थे और ना आज ईसाई हैं, वो कल भी हिंदू थे पैदाइशी और आज भी वो हिंदू हैं, जाटव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और जाटव ही हैं आज भी वो, और यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं वो अपने निवास स्थान पर जो एजी प्रार्थना भवन के नाम से बंसी नगला में चलाते हैं। इसमें कुछ आरएसएस गौरक्षा दल और बजरंग दल के लोग, जो जिसमें मुख्यतः के संकदार हिमांशु पटेल, अरविंद पटेल और प्रीति आर्या, राजीव, मुनेंदर, विवेक शर्मा, ये लोग वहाँ अपने साथ में करीब 25 से 30 लोगों को लेकर वहाँ पहुँचे और धर्म का अपमान किया, बाइबलों को फाड़ा, बाइबलों को उन्होंने ठोकरें मारी और अपमानित किया, लोगों को जाति सूचक गालियां दी और उन्होंने कहा तुम भंगी और चमार हमारे हिंदू धर्म के लिए एक मुसीबत बन के खड़े हो गए, और ऐसे और धर्म परिवर्तन का तो आरोप लगाया, धर्म परिवर्तन कही कि तुम भंगी और चमार हमारा हिंदू धर्म का धर्म परिवर्तन कर पा रहे हो। मेरा कहना है कि धर्म परिवर्तन कितने सारे लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो धर्म परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है? कितने लोग जैन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो धर्म परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है? क्या चर्च में अगर कोई प्रार्थना के लिए या प्रार्थना भवन में चला गया वो धर्म परिवर्तन दिखाई दे रहा है? बौद्ध धर्म में भी तो आपको यही कार्रवाई करो, कितने बौद्धों के खिलाफ आपने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वालों के, कप्तान साहब से ये मांग करते हैं कि विधि विधान के अनुसार हमारे मुकदमा को दर्ज किया जाए, और चूंकि थाने से एक तरफा कार्रवाई की गई है और पास्टर भगवान दास जी और पवन कुमार और उनके कुछ लोगों को थाने में बिठा रखा है जो कि न्याय संगत नहीं है, और हम कप्तान साहब से यही मांग करते हैं और प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि उनको छोड़ा जाए, और जो के संगदार और ये अरविंद पटेल, हिमांशु पटेल हैं, इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा हमारी ओर से दर्ज किया जाए। ये वंशी नंगला सुभाष नगर द्वारा आपत्ति की गई कि वहाँ पे एक व्यक्ति है जो अपने घर में ही उसने एक प्रार्थना कक्ष बना रखा है, जिसमें वो लोगों को बुला के प्रार्थना सभा में लोग सम्मिलित होते हैं, उसके द्वारा धर्मांतरण कराया जाता है। तो इस मामले में उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें दो लोगों को पुलिस ने अभी जांच के लिए उठाया भी है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो आपको बताई जाएगी।
एक सिरोली में एक मामला था जिसमें धर्मांतरण जैसा कोई कार्यक्रम नहीं होता, ना आज तक किसी धर्म परिवर्तन गलत मुकदमे दर्ज कराए गए। हाँ नहीं, मुकदमा जो तहरीर देगी उसके आधार पर दर्ज कराया गया, इसीलिए मामले की अभी जांच चल रही है, जो भी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। अभी तक की जांच क्या निकला है, वहां क्या हो रहा है, छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, उसमें तो तहरीर हमें दोनों साइड से मिली है और दोनों साइड ने एक दूसरे पर मारपीट और इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो हम एक तो FIR लिखी गई, दूसरी तहरीर की भी जाँच हो रही है और जो भी सत्यता होगी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।